से पुलिस के प्रशासन की मनमानी चल रही है। पिछले दिनों से सभी आप लोग घटनाक्रम को देख रहे हैं और इसके खिलाफ बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता जनता की लड़ाई को आज भी 40 सालों से जो जमीनी स्तर पे लड़ते आ रहे हैं माननीय श्री मंजारी जी, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनको इस तरह से उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है और उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है। और हमको रात्रि से आधी रात से हमको नजर बंद करके रखा गया है। हमारे घर के दरवाजे बाहर से चिटका नहीं लगा दी गई, हम निकल नहीं पा रहे थे। आपके सामने में निकल के आई हूँ जब हमारे कार्यकर्ता ने बाहर से चिटका नहीं खोली तब। तो ये क्या कब तक चलेगा? आज गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो जनता की सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन इस तरह से अगर जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, तो ये लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो तानाशाही हो गई ना। ये लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाली बात होती, लेकिन यहाँ जो जनता के हक की बात कर रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो न्याय संगत बात कर रहा है, उसी का दमन किया जा रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं लगा के उसको सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है और इतनी फोर्स लगाई जाती है जैसे कि किसी आतंकवादी का घर है या एक जनता के सेवक का घर नहीं हुआ गया, पता नहीं किसका घर हो गया। हम लगातार गिरफ्तार भी हुए जब आपको गिरफ्तार की तो आपके समर्थकों को या किसी को? हमारे मेरी जानकारी में अभी तक जैसा आया, हमारे कम 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे बख्तरा के गुट्टू नकपुरे भी हैं, जिनको रात को 12:30 बजे उठाया गया, उनके बेडरूम से ले जाया गया। उसके बाद अभी पता चला है कि सुबह 6 बजे शिव मोहारे जी को पकड़ा गया है कोसमी से, और अभी गगन नकपुरे उनको भी अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी हुई, ऐसा मुझे जानकारी। आप लोग विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? कुल मिला के आप लोगों को, जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं को ये पता है कि अभी माननीय बंजारा जी ने ये बात कही थी कि गृह मंत्री जी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी उनको जो शाबाशी देने के लिए जो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए, जो पिछले बार जो अभी जो कुछ दिनों पहले जो नक्सलाइट मुहिम हुई है, जो इनकाउंटर हुआ है, उसमें SP का पीठ थपथपाने के लिए गृह मंत्री जी आ रहे हैं बालाघाट। तो मंजारा जी ने कहा है कि ये इसकी जाँच होना चाहिए, जो इनकाउंटर हुआ है ये संदेहास्पद लगता है। तो ये तो लोकतंत्र में कोई भी कह सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा, मंत्री जी आएंगे और इस तरह SP की पीठ थपथपाएंगे, जबकि ये परिस्थिति पूरी संदेहास्पद है।